दोस्तों गोकू बहुत सारे विलन्स को हरा चुका है, लेकिन क्या आपको पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सुई लेने से डरता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं गोकू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पहुँचा सकें। दोस्तों ये टॉप 10 लिस्ट के लिए हम गोकू के सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म को लिए हैं। नंबर 10 सुपर सैयन 3। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 2 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सुपर सैयन 3 में बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी खत्म होता है, और इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन को इमरजेंसी टाइम में ही यूज करना चाहिए। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के सीरीज में ननफ्यूज जी फाइटर में अल्टीमेट गोहन के बाद सेकंड में सुपर सैयन 3 आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन किरबू के बराबर का ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल तो है, लेकिन उतना टिकाऊ नहीं है। नंबर 9 पे आता है वेजिटो। दोस्तों वेजिटो को पहली बार बू सागास में देखा गया था। उसमें गोकू और वेजिटा को सजेस्ट किया गया था कि वो दोनों अपना पावर्स को कंबाइन कर लें, और इसके बाद गोकू और वेजिटा पोटर फ्यूजन के मदद से अपना पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, और वो दोनों मिलके वेजिटो बन जाते हैं। वेजिटो कैरेक्टर अगर गोजिटा से कंपेयर किया जाए तो वेजिटो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी यानी माइंड वाला कैरेक्टर है। दोस्तों जब सुपर बू गोटेन को एब्सॉर्ब कर लेता है तब वो फॉर्म बहुत ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन इसका पावर इतना नहीं था कि वो वेजिटो से सामना कर सके। दोस्तों वेजिटो का पावर सुपर सैयन 3 से ज्यादा था, लेकिन सुपर सैयन 4 से कम था। यानी दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि वेजिटो का पावर सुपर सैयन 3 और सुपर सैयन 4 के बीच का है। नंबर 8 पे आता है दोस्तों सुपर सैयन 4। दोस्तों जब गोकू गोल्डन एप्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब वो अपने माइंड को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करना चाहता था। इसके बाद वो अपने माइंड को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है, जिसके वजह से वो सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब उसका हेयर ब्लैक हो जाता है, और उसका पूंछ और बाकी बॉडी का पार्ट क्रिम्सन कलर यानी गहरा लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सुपर सैयन 4 ज्यादा करके अपने माइंड पे फोकस करता है, और तो और दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू अपने फुल पावर्स को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन दोस्तों सुपर सैयन 4 का पावर लिमिट अभी तक अननोन हो गया है। नंबर 7 पे आता है दोस्तों सुपर गोजीटा। दोस्तों जब फ्यूजन रिबन मूवी में गोकू और वेजिटा परफेक्ट फ्यूजन डांस करते हैं तब गोजिटा ऑलरेडी सुपर सैयन में होके था, लेकिन दोस्तों हमें अभी तक गोजिटा का बेस फॉर्म देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों सुपर गोजिटा का एक्शन हमें देखने के लिए मिला तब जब वो जेनम्बा के साथ बैटल कर रहा था। जब गोकू सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हुआ था तब वो जेनम्बा के साथ बैटल किया था, और उस बैटल से गोकू को ये पता चलता है कि इससे पावरफुल विलन का सामना वो अभी तक नहीं किया था। सुपर गोजिटा जेनम्बा को डिफीट करने के लिए कभी भी उसका फुल पावर को यूज नहीं किया है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि सुपर गोजिटा का पावर्स के नीचे जेनम्बा का पावर्स आता है। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है सुपर वेजिटो। दोस्तों हमेशा से ही वेजिटो को रैंकिंग में सुपर सैयन 4 से नीचे रखा गया है। वेजिटो जब सुपर वेजिटो में ट्रांसफॉर्म होता है तब उसका पावर ड्रैगन बॉल जी के सभी कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यानी दोस्तों ये भी कहा जा सकता है कि सुपर वेजिटो का पावर सुपर सैयन 4 से ज्यादा है। सुपर वेजिटो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बू यानी अल्टीमेट बू से बैटल कर चुका है, जिसमें सुपर वेजिटो का थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ था। दोस्तों सुपर गोजिटा और सुपर वेजिटो के बीच में फाइट कौन जीतेगा अभी तक किसी को पता नहीं है। यहाँ तक इंटरनेट में फैंस भी इसको लेके कंफ्यूज हैं। नंबर 5 पे आता है दोस्तों सुपर सैयन गॉड। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड में गोकू का एपीयरेंस लाने के लिए सुपर सैयन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी मैंगा सीरीज में गोकू इच्छा शक्ति को भी इस्तेमाल कर सकता था। जब गोकू ये फॉर्म में आता है तब उसका हेयर रेड कलर का हो जाता है, और वो एक गॉड का फॉर्म ले लेता है। दोस्तों सुपर सैयन गॉड फॉर्म में टाइम का थोड़ा लिमिट है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वो अपने इच्छा शक्ति को यूज कर सकता है, और तो दोस्तों वो अपने आप को रीजनरेट यानी पुनर्जीवित कर सकता है। दोस्तों गोकू ये भी बोला था कि अगर सुपर सैयन गॉड और वेजिटा एक फ्यूजन कैरेक्टर बन जाते हैं तो वो बीरस को भी डिफीट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है सुपर सैयन ब्लू। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन में आना बहुत ही मुश्किल है,
दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन में सुपर सैयन गॉड से ये फॉर्म का पावर 50 गुना ज्यादा है। सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में सुपर सैयन गॉड का भी पावर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू का हेयर और आंख ब्लू कलर का हो जाता है। सुपर सैयन ब्लू अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बाकी फ्यूजन फॉर्म से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सुपर सैयन ब्लू का पावर जान पाना बहुत ही मुश्किल है बिना कोई स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर से कंपेयर करके। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आता है सुपर सैयन 4 गोजीटा। दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी सीरीज के एंड में गोकू और वेजिटा सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होके भी इविल ओमेगा शरण को हरा नहीं पाते। तभी गोकू और वेजिटा डिसाइड करते हैं और वो दोनों फ्यूजन होके सुपर सैयन 4 गोजीटा बन जाते हैं और इविल ओमेगा शरण को आसानी से हरा देते हैं। ड्रैगन बॉल जीटी सीरीज में सुपर सैयन 4 गोजीटा बहुत ही स्ट्रांगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों गोजीटा का सिर्फ 2 फॉर्म हमें देखने के लिए मिला। पहला फॉर्म सुपर गोजीटा जो कि फ्यूजन रिबन मूवी में हमें देखने के लिए मिला और दूसरा सुपर सैयन 4 गोजीटा जो कि हमें ड्रैगन बॉल जीटी में देखने के लिए मिला। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आता है सुपर सैयन ब्लू कायोकेन। दोस्तों गोकू का ऐसा कोई फॉर्म नहीं था जो सुपर सैयन 4 गोजीटा का सामना कर सके, लेकिन सुपर सैयन ब्लू और एक्सटेंड कायोकेन को मिला देने से वो फॉर्म का पावर सुपर सैयन 4 गोजीटा से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों सुपर सैयन ब्लू कायोकेन का पहला अपीयरेंस हमें बीरा सैन चैंपियंस मल्टीवर्स टूर्नामेंट में देखने के लिए मिला जब हीट के साथ उसका फाइनल बैटल चल रहा था। अभी दोस्तों हम कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि सुपर सैयन ब्लू कायोकेन इविल ओमेगा शरण को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि दोस्तों ओमेगा शरण का पावर सुपर सैयन 4 से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन सुपर सैयन ब्लू कायोकेन का पावर सुपर सैयन 4 गोजीटा से 10 गुना ज्यादा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों नंबर 1 पे जाने से पहले हम आपको गोकू के एक पावरफुल फॉर्म के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर। अभी दोस्तों ये कितना पावरफुल है हम नहीं जानते, क्योंकि गोकू के ये फॉर्म को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ड्रैगन बॉल सुपर के सीरीज में। ये फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस महीने अक्टूबर 8 में जब गोकू जिरान से फाइट करेगा। अभी दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर जिरान का पावर लेवल कितना है। दोस्तों ड्रैगन बॉल विकी के एक आर्टिकल के अनुसार अगर गोकू का सुपर सैयन ब्लू कायोकेन फॉर्म का पावर 20 गुना ज्यादा बढ़ जाए तभी भी वो जिरान को हरा नहीं सकता, और दोस्तों गोकू उसके लिमिट ब्रेकर फॉर्म में ही वो जिरान को हराएगा। इससे दोस्तों ये पता चल रहा है कि लिमिट ब्रेकर फॉर्म का पावर बहुत ही ज्यादा है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है वेजिटा ब्लू। दोस्तों वेजिटा का फिर से अपीयरेंस दिखाया गया ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंक्स के स्टोरी लाइन में, जिसमें गोकू और वेजिटा ट्रंक्स के टाइमलाइन में ट्रैवल करते हैं जामासू और गोकू ब्लैक को लाने के लिए। इसमें फ्यूचर जामासू फ्यूज हो जाता है गोकू ब्लैक के साथ और अपने आप को एक सुप्रीम गॉड बताता है। ये फ्यूज कैरेक्टर को हराने के लिए वेजिटो ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जामासू को हरा देता है। लेकिन दोस्तों वेजिटो ब्लू का प्योर पावर बहुत ही ज्यादा है और इस बैटल में वेजिटो ब्लू का प्योर पावर को पूरी तरीके से दिखाया नहीं गया है। दोस्तों वेजिटो ब्लू का पावर 2 सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का पावर का बराबर था। तो दोस्तों यही था गोकू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है, नंबर 1 आखिर कौन डिजर्व करना चाहिए, वेजिटो ब्लू या फिर लिमिट ब्रेकर? आपका कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और दोस्तों ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए प्लीज दोस्तों आप स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।